एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर लड़की थी, उसका नाम था सिंड्रेला। वह अपने पिता, सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ और बहनें उसे परिवार का सदस्य भी न मानती और घर का सारा काम करवाती। सिंड्रेला बहुत अकेली हो गई थी। एक दिन राजमहल के सेवक ने एक शाही दावत की घोषणा की जिसमें सभी लड़कियां आ सकती थीं। मैं अपनी लाल पोशाक पहनूंगी, बड़ी सौतेली बहन ने कहा, और मैं अपनी हरी पोशाक पहनूंगी, छोटी बहन ने कहा। शाही दावत का दिन आ गया। सौतेली माँ और दोनों बहनें सज धज कर दावत पर चली गईं। खिड़की से उन्हें जाता देख सिंड्रेला उदास हो गई। काश मैं भी शाही दावत पर जा पाती। अचानक से परियों की धर्माता प्रकट हुई। क्या हुआ प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें भी शाही दावत पर जाना है? धर्माता ने प्यार से पूछा। हाँ, लेकिन मैं इतने फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊं? अपने आंसू पोंछ लो, मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू, 6 चूहियां और 1 चूहा लेकर आओ। सिंड्रेला ने धर्माता की बात तुरंत मान ली। धर्माता ने कद्दू को अपनी जादुई छड़ी से छुआ और एक सोने की सुंदर पालकी में बदल दिया। चूहियों को घोड़ों में बदल दिया और चूहे को पालकी चालक में बदल दिया। अब तुम्हें बस एक सुंदर पोशाक चाहिए, धर्माता ने कहा। धर्माता ने सिंड्रेला को छड़ी से छुआ और उसके पुराने फटे कपड़ों को एक सुंदर पोशाक में बदल दिया। अब सिंड्रेला बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। जैसे ही सिंड्रेला पालकी पर बैठी, धर्माता ने सिंड्रेला को चेतावनी दी। याद रखना, तुम्हें आधी रात से पहले वापस आना है, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा। मैं याद रखूंगी, सिंड्रेला ने कहा। जल्द ही सिंड्रेला महल पहुंच गई। सभी लोग सिंड्रेला को देखते ही रह गए। कितनी प्यारी लड़की है, कितनी सुंदर पोशाक है। राजकुमार भी सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया। पूरी शाम वह सिर्फ सिंड्रेला के साथ नाचता रहा। अचानक जब घड़ी में 12 बजे, तब सिंड्रेला को धर्माता की चेतावनी याद आई। ओह, मुझे जाना होगा, सिंड्रेला चिल्लाई और भागी। रुको रुको, मुझे अपना नाम बताओ। राजकुमार सिंड्रेला के पीछे भागा, पर सिंड्रेला वहां से चली गई थी। तभी राजकुमार ने सीढ़ियों पर कुछ चमकता हुआ देखा। वह सिंड्रेला का एक पैर का जूता था। राजकुमार ने उसे उठा लिया। अगले दिन यह ऐलान किया गया कि जिसे भी वह जूता ना पाएगा, राजकुमार उसी से शादी करेगा। राजकुमार और मंत्री घर घर जाकर उस जूते को सब लड़कियों को पहनाने लगा। जब मंत्री सिंड्रेला के घर पहुंचा, दोनों बहनों ने उस जूते को पहना, लेकिन किसी को भी वह पूरा नहीं हुआ। अब आपकी बारी है, मंत्री ने सिंड्रेला से कहा। पर यह तो सिर्फ एक नौकरानी है, सौतेली माँ ने कहा। इसे भी यह पहनना चाहिए, मंत्री ने कहा। जूता अच्छे से सिंड्रेला को नाप आ गया। उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। तभी धर्माता प्रकट हुई। और सिंड्रेला को एक राजकुमारी बना दिया। तो वही राजकुमारी है जो राजकुमार के साथ शाही दावत में थी। उसके बाद सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हुई और वे खुशी-खुशी रहने लगे। एक समय की बात है,
एक शहर में दो भाई रहते थे, एक बहुत अमीर था और दूसरा बहुत ही गरीब। एक भाई के पास सब कुछ था, वहीं दूसरे के पास खाने को ना रोटी ना पहनने को कपड़े। उसका परिवार भूख से मर रहा था, उसके पास खाना खरीदने के पैसे भी न थे। वह अपने भाई से मदद मांगने जाता, पर बड़ा भाई उसकी कोई मदद न करता। एक दिन वह काम की तलाश में भटक रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर था। माँ जी, यह लकड़ियाँ भारी हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरा परिवार भूख से मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अच्छा बेटा, अगर तुम यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक ले आओ तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकती हूँ बेटा, जिससे तुम अमीर हो जाओगे। ठीक है। वो आदमी उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल दिया और उस गट्ठर को लेकर बुढ़िया के घर तक पहुंचा दिया। शुक्रिया बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गरीबी बहुत जल्द दूर होगी। हाँ, ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने उसे खीर दी। ये लो बेटा, इसे लेकर तुम जंगल में जाओ, कुछ दूर जाकर तुम्हें 3 आम के पेड़ दिखेंगे बेटा, उसके पीछे एक बड़ी सी चट्टान भी होगी, उसी के पीछे एक बड़ी गुफा है, वहाँ 3 बूने रहते हैं बेटा, उन्हें खीर बहुत पसंद है, वह तुमसे यह खीर जरूर मांगेंगे, पर तुम बदले में उनसे पैसे मत मांगना, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो, बस बेटा तुम्हें इतना ही करना है। आदमी खीर लेकर जंगल में चला गया, वहाँ उसे बहुत सारे पेड़ दिखे। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी। ध्यान से देखने पर 3 पेड़ त्रिभुज की तरह कतार में लगे हुए थे, सब कुछ वैसा ही था जैसा बुढ़िया ने बताया था। गुफा का दरवाजा लगा हुआ था और बोनो ने खीर देखी तो कहा, यह खीर हमें दे दो, इसके बदले हमसे जो चाहे ले लो। ठीक है, मैं तुम्हें ये खीर दे देता हूँ, पर उसके बदले तुम मुझे पत्थर की चक्की दो। हमें मंजूर है, पर यह चक्की आम नहीं है, इसे घुमाते हुए तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, और इच्छा पूरी होने के बाद इस पर लाल कपड़ा जरूर डाल देना, सामान बनना बंद हो जाएगा। बोनू ने उसे चक्की दी और वह चक्की लेकर वहाँ से चला गया। उसने देखा उसका परिवार भूख के मारे जमीन पर पड़ा था। उसने अपनी पत्नी से एक बड़ा कपड़ा लाने को कहा, जिस पर वह चक्की को रख सके। वह चक्की घुमाने लगा और कहा, चक्की चक्की दाल निकाल, और फिर वहाँ दाल का ढेर लग गया। उसने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया, दाल निकलनी बंद हो गई। उसने कपड़ा हटाया और फिर चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल निकाल, ऐसे ही वहाँ चावल का भी ढेर लग गया। सभी ने भर पेट खाना खाया। फिर उसने चक्की से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू कर दिया, कभी आटा, कभी दाल, चावल, ज्वार, और वो सारा सामान बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया और देखते ही देखते वो अमीर हो गया। उसने एक अच्छा सा घर बना लिया, उसकी पत्नी, बच्चे सभी बहुत खुश रहने लगे। पर यह सब देख उसका बड़ा भाई हैरान हो गया, वह जलने लगा। अरे यह क्या, कुछ दिन पहले तो यह भूखा मर रहा था, तो अचानक उसके पास ये धन कैसे आया? दाल में कुछ काला है। इसी बात का पता लगाने वह छोटे भाई के घर में छिप छिप कर नजर रखने लगा। अगले दिन मौका पाकर वह भाई की चक्की चुरा लाया और शहर छोड़कर अपने परिवार के साथ भाग गया। रास्ते में जाते जाते उसने चक्की को आजमाना चाहा और चक्की से पूछा, चक्की चक्की नमक निकाल, चक्की से नमक का ढेर लग गया, पर उसे तो चक्की रोकने का तरीका मालूम ही नहीं था। देखते ही देखते वह नमक के ढेर में दब गए और मर गए। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए,
जो हमारे पास है उसी से खुश रहना चाहिए। The Little Mermaid, नन्ही जलपरी, समंदर के बहुत अंदर जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती एक बड़ा सा महल था। वहाँ राजा अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहता था। जलपरियों को समंदर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी जब तक वे 15 साल की नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे 15 साल की होती गईं, वे बाहर समंदर के जाकर देख सकती थी। जो भी जलपरी घूमकर आती सबको बताती उसने क्या देखा। किसी ने सुंदर महल तो किसी ने सुंदर शहर देखा। सबकी बातें सुन सबसे छोटी जलपरी जल्द से जल्द घूमने की इच्छा रखती जिसका नाम था एरियल। आखिर वो दिन भी आ गया जब एरियल भी 15 साल की हो गई। अब मैं भी इंसानों की धरती देख पाऊंगी। जलपरी ने शाम होने का इंतजार किया और जब वो समंदर के बाहर निकली उसने एक बहुत सुंदर बड़ी सी शिप को देखा। मुझे सुंदर शिप को पास से देखना चाहिए, नन्ही जलपरी ने अपनी सबसे अच्छी सहेली से कहा। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी, सुंदर रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे और रात के अंधेरे में आसमान और भी सुंदर लगने लगा। मुझे जानना है ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। जलपरी शिप के पास जाकर उसे देखना चाहती थी इसलिए वो तैरती हुई वहां पहुंची जहां उसे खूबसूरत सी खिड़की दिखाई पड़ी जिस खिड़की के अंदर एक सुंदर राजकुमार बैठा हुआ था जिसका नाम था एरिक। अचानक पानी में तेज तूफान उठा और शिप पानी में भटकने लगी। तेज तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट देख जलपरी हैरान रह गई। जब तेज हवाएं चलने लगी नन्ही जलपरी हैरान होकर शिप को देखने लगी। तभी जलपरी अचानक देखती है कि समंदर में राजकुमार गिर पड़ा है। वह तुरंत पानी से उसे निकालकर बचा लेती है। राजकुमार बेहोश होता है। वह उसे समंदर किनारे ले जाती है। कुछ ही देर में वे दोनों किनारे पे पहुंच जाते हैं और शिप पानी में डूब जाती है। नन्ही जलपरी ने राजकुमार की जान बचा ली लेकिन जैसे ही राजकुमार को होश आया वह समंदर की लहरों में गायब हो गई। उसी समय एक लड़की वहां से गुजरती है और वह राजकुमार को देख उसकी मदद करती है और अपने साथ ले जाती है। काश मैं दोबारा राजकुमार को देख पाऊं, वह तो यह भी नहीं जानता कि मैंने उसकी जान बचाई है, एरियल उदास हो गई। हर रोज नन्ही जलपरी पानी के ऊपर जाकर राजकुमार को ढूंढती पर उसे कभी वहां राजकुमार नहीं दिखता। एक दिन महल के पास एरियल ने दोबारा राजकुमार को देखा। उसके बाद वह हर रोज उसी जगह आकर राजकुमार को देखने लगी। एक दिन नन्ही जलपरी ने अपनी दादी से पूछा, क्या इंसान हमेशा जिंदा रहते हैं? नहीं बेटी नहीं, उन्हें मरना पड़ता है, लेकिन हमारी तरह उनकी आत्मा अमर है जो हमेशा रहती है, दादी ने कहा। उसके बाद नन्ही जलपरी ने सोच लिया कि वह इंसान बनना चाहती है। मैं समंदर के जादूगरनी से पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद करे, एरियल ने सोचा। एक दिन एरियल समंदर के जादूगरनी से मिलने जाती है और अपनी इच्छा उसे बताती है। अच्छा, तुम राजकुमार से प्रेम करती हो इसीलिए इंसान बनना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी होगी, जादूगरनी ने कहा। एरियल मान गई क्योंकि वो जल्द से जल्द इंसान बनना चाहती थी। जादूगरनी ने नन्ही परी को जादुई गुड़िया दी और कहा, इसे खा लो तुम इंसान बन जाओगी, लेकिन याद रखना अगर राजकुमार ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम मर जाओगी। एरियल खुशी खुशी तैरती हुई समंदर के किनारे पहुंची और जादूगरनी की दी हुई पुड़िया को खा लिया। अचानक उसके शरीर में तेजी से हलचल हुई और वह बेहोश हो गई। जब एरियल को होश आया उसने खुद को राजकुमार के महल में राजकुमार के ठीक सामने खुद को पाया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो?
नन्ही जलपरी ने जब बात करने के लिए बोलना चाहा, उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज जा चुकी है। जादूगरनी ने उसकी प्यारी आवाज छीन ली है, लेकिन वह खुश थी क्योंकि अब वह राजकुमार के पास थी। राजकुमार एरियल को अपने महल में ले गया और वो साथ साथ रहने लगे। समय बीता, तब एरियल को यह महसूस हुआ कि राजकुमार उसे केवल अच्छा दोस्त समझता है, उसे प्रेम नहीं करता। एक दिन राजकुमार जलपरी से बात करने के लिए चाहता है और उसे कहता है, एरियल मेरी दोस्त, आज मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एरियल ने कहा, जरूर। राजकुमार उसी लड़की से शादी करने वाला था जो उसे समंदर के किनारे मिली थी और जिसने उसकी जान बचाई थी। वापसी के दौरान सफर में जलपरी ने खूब सोचा, मैं इंसान तो बन गई पर अपने प्यार को पा न सकी। अचानक उसने देखा कि उसकी पांचों बहनें शिप के पास तैर रही थी। उनकी आंखें लाल, बाल कटे हुए और हाथों में खंजर था, एक बड़ा सा चाकू था। जलपरी हैरान थी, उसने उन पांचों बहनों से पूछा, तुम सब यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे बालों को क्या हुआ? एरियल, हमें जादूगरनी ने यहां भेजा है, बदले में वो राजकुमार को तुम्हारे द्वारा मरवाना चाहती है, और ये काम तुम्हें करना होगा क्योंकि फिर तुम नहीं मरोगी, तुम हमारे पास लौट आओगी। पांचों बहनें एरियल को समझाती हैं। एरियल जैसे ही बड़ा चाकू लेकर कमरे में घुसती है। मैं राजकुमार को नहीं मार सकती। जैसे ही एरियल ने खंजर को फेंका, वह पानी में जाकर गिर पड़ा और अचानक पूरा पानी लाल हो गया। और इससे पहले कि पांचों बहनें कुछ समझ पाती, एरियल समंदर में छलांग लगा देती है। लेकिन समंदर के अंदर जाने की बजाय वह समंदर से ऊपर उड़ने लगती है। एरियल को लगा वह ऊपर और ऊपर जा रही है, आसमान की ओर, हजारों परियों के पास। परियों से उड़ती हुई अपने आप को महसूस कर रही थी। आओ, तुम्हारा बादलों की दुनिया में स्वागत है, तुम यहाँ अपने अच्छे कर्मों के कारण आई हो, बादलों की परी ने कहा। छोटी जलपरी की दुनिया और खूबसूरत हो गई थी। वह खुशी से बादलों में उड़ने लगी। आखिर उसने राजकुमार से सच्चा प्रेम जो किया था। ये कहानी है एक किसान और उसकी जादुई घड़ी की। किसी दूर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राम। राम बहुत ही अच्छा और समझदार आदमी था। उसकी 5 एकड़ जमीन थी। अच्छा किसान होने के बावजूद भी उसके खेत में वो अनाज नहीं उगा पा रहा था, जबकि बाकी किसान फसल की कटाई भी करते और बीज भी बोते। राम हर रोज कुदाल चलाता और चलाता, पर उसकी जमीन बंजर ही रहती। ओ राम, तुम हर रोज क्यों बुरा से खोदते हो? इस जमीन ने तुम्हें आज तक अनाज का एक दाना भी नहीं दिया। तुम्हें ये जमीन बेचकर किसी और जगह नई जमीन खरीदनी चाहिए। मगर भाई, ये जमीन तो मेरे पुरखों की है और वो इसी जमीन पर खेती किया करते थे। मैं जरूर कोई गलती कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है भाई। राम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था। उसने कई दिन तक खाना भी नहीं खाया, सिर्फ फल ही खाता था। राम ने हिम्मत नहीं हारी, वो हर रोज कुदाल चलाता रहा। मैं तब तक कुदाल से जमीन खोदता रहूंगा जब तक मेरी जमीन कोई अनाज नहीं उगाती। मैं हर साल बीज बोता हूँ, आखिर ये बीज ज्यादा कहाँ है? राम कुदाल चलाता रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। राम ने पूरे खेत में कुदाल चलाई। आखिर दोपहर के समय उसने आराम करने की सोची। भूखा होने के कारण राम कुदाल नहीं चला पा रहा था। वो अपना काम रोकने ही वाला था कि उसकी कुदाल जमीन में किसी चीज से टकराई। ये क्या है? ये आवाज तो किसी धातु की लगती है। ओह, कितना बड़ा घड़ा है। बड़ी अजीब बात है, भला कौन ऐसे धातु का घड़ा जमीन के इतने नीचे गाड़ सकता है? ये तो हद ही हो गई। राम को लगा कि उसकी इतनी कड़ी मेहनत बिल्कुल बेकार गई है। उसने अपनी कुदाल घड़े में फेंकी और पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। अब तो मुझे ये जमीन बेच ही देनी चाहिए,
मैं कब तक ऐसे भूखा रहूंगा? ये बंजर जमीन मुझे कभी कुछ नहीं दे सकती। राम पेड़ की छांव में आराम से बैठकर फल खाने लगा। उसे भूख बहुत ज्यादा लगी थी और फल थी बहुत ही कम। वो घंटों वहाँ बैठकर अपनी जमीन के बारे में सोचता रहा और उदास हो गया। उसे पता था कि उसे अब जमीन बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये पुरखों की जमीन मुझे बेचनी ही होगी। मुझे अंधेरा होने से पहले घर चलना चाहिए। राम अपनी कुदाल लेने जैसे ही घड़े के पास पहुंचा, तो वहाँ का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। ये क्या, ये यहाँ किसने रखा होगा? मैं तो सारा दिन यहीं पर था। राम ने देखा कि घड़े में 100 कुदालें थी। जैसी उसके पास थी वो समझ नहीं पा रहा था कि इनमें से उसकी कुदाल कौन सी है। ये नहीं हो सकता, क्या ये जादुई घड़ा है? मुझे और कोशिश करनी चाहिए। राम ने वो 100 कुदालें बाहर निकाली और घड़े में एक अंगूर का दाना रखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब एक अंगूर का दाना 100 अंगूर के दाने बन गए। ये तो सचमुच जादुई घड़ा है, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। इसे घर ले चलता हूँ। ये तो बहुत ही भारी है, इसके लिए रस्सी लगेगी। राम ने रस्सी का एक छोर घड़े से बांधा और दूसरा अपनी कमर से। फिर वो घड़े को घसीटता हुआ घर की ओर चल दिया। रास्ते में वो सोचता रहा कि घड़े में और क्या क्या चीजें डाली जाए। सबसे पहले मैं एक अंडा रखता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सिर्फ फल ही तो खा रहा हूँ। राम तुरंत बाजार गया और अपने बचाए हुए पैसों से एक अंडा खरीदा। फिर उसने वो अंडा घड़े में रखा और देखते ही घड़ा अंडों से भर गया। राम बहुत खुश हुआ। उसने अपने लिए 2 अंडे पकाए। मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा, पर मैं इन बाकी बचे अंडों का क्या करूँगा? मैं ये अंडे बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। तब राम को समझ आया कि ये घड़ा उसे खाना ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी मदद कर सकता है। सारे अंडे बेचने के बाद राम ने घड़े में कई प्रकार की वस्तुएं डाली। जब उसे कपड़े की जरूरत पड़ती थी तो वो एक छोटा कपड़े का टुकड़ा घड़े में डालता। तुरंत घड़ा उसे 15 लोगों के लिए कपड़ा दे देता। अगर उसे कमीज की जरूरत पड़ती तो घड़े में एक कमीज रखता और घड़ा उसे 100 कमीज देता। इस तरह राम अनाज, फल और मसाले घड़े में डालता रहा और घड़ा भी उसे बहुत सारी चीजें वापस देता। गांव वाले राम की इस तरक्की से हैरान हो गए, पर किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला। राम हमेशा अपना घड़ा घर के एक कोने में कपड़े से ढक कर छुपा के रखता था। एक दिन राम ने घड़ी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने घड़ी में एक मुर्गी रखी ये देखने के लिए कि क्या होता है। अचानक घड़े से 100 मुर्गियां पंख फड़फड़ाते बाहर आने लगी। राम का घर मुर्गियों से भर गया, हर तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां। मैंने एक मरी हुई मछली डाली होती तो अच्छा होता, अब मैं इतनी सारी मुर्गियां कैसे पकड़ूंगा? राम ने मुर्गियों को पकड़ना चाहा, पर नाकाम रहा। कभी वो मेज पर तो कभी चारपाई पर बैठ जाती। एक तो उड़कर उसके सर पर बैठ गई। हट जाओ, चलो सब यहाँ आओ। लेकिन मुर्गियाँ डरी हुई थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ सारी जगह फैल गई। तभी अचानक रुक जाओ, और एक मुर्गी उड़कर घड़े में जाकर बैठ गई और फिर से उसमें से 100 मुर्गियाँ उड़ उड़कर बाहर आने लगी। मेरा घर तो मुर्गियों का पिंजरा बन गया है, अब मैं क्या करूं? राम ने झट से घड़े को ढक दिया और एक कोने में रख दिया। फिर वो घर से भागा, मुर्गियाँ भी उसके पीछे भागी। गांव वाले इतनी सारी मुर्गियाँ राम के घर से बाहर निकलते देखकर हैरान हो गए। इतनी सारी मुर्गियाँ, मुझे घड़े को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन राम को पता नहीं था कि राजा का एक सिपाही उसकी बातें सुन रहा था। उसे घड़े के बारे में पता चला और तुरंत राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी बता दी। इतनी सारी मुर्गियाँ, वो भी एक घड़े से, ये कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई जादुई घड़ा होगा। तुरंत राम को और उस घड़े को यहाँ ले आओ, वो शाही खजाने का हिस्सा है। राम समझ गया कि राजा ने उसे घड़ा लेकर क्यों बुलाया है। ये राजा तो बहुत ही लालची है, शायद उसे सारा धन खुद के लिए चाहिए। वो घड़ा यहाँ ले आओ, ये तो वाकई काफी बड़ा है। पर ये घड़ा इतनी सारी मुर्गियाँ कैसे दे सकता है? जरा देखो तो इसके अंदर क्या है। अरे नहीं, रुकिए। पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही राजा ने घड़े के अंदर झांका, वो फिसल गया और घड़े में गिर गया। अब अंदर से 100 राजा घड़े से उछल उछल कर बाहर आने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वो सब आपस में लड़ने लगे। ये मेरी राजगद्दी है, हट जाओ वहाँ से। नहीं, ये मेरी है, मैं राजा हूँ। नहीं, ये मेरा राज्य है।
पूरा राजमहल राजाओं से भर गया। अरे अपने राजा को बताओ। हाँ, और इसमें से असली राजा कौन है? सिपाही अपने राजा को नहीं पहचान पाए और राजा एक दूसरे से लड़कर मर गए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया क्योंकि अब राज करने के लिए राजा ही नहीं बचा था। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर खड़ी के पास गया और उसे जमीन पर पटक दिया। पर अब राम के खेत में फसल लहरा रही थी। उसने खेतीबाड़ी शुरू की और खुशी खुशी मेहनत करके जीवन जीने लगा। अरे गौरव, चलो चलो जल्दी ऊपर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। मम्मी हमें खेलने दो ना, प्लीज, मजा आ रहा है। और कहानी कौन सुनेगा? ये मम्मी, आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे? आओ मेरे साथ बैठो। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ उसका नाम है स्नो वाइट और सात गुनी। एक बार सर्दियों में खूब बर्फ पड़ी। नरम मुलायम बर्फ रूई की तरह धरती पर गिर रही थी। रानी अपने कमरे की खिड़की को खोलती है और बाहर एक काली चिड़िया देखती है। रानी ने सुई को उंगली पर दबाकर खून का कतरा निकाल लिया और विश मांगी, काश मेरी अपनी बेटी का रंग इतना ही गोरा हो जितना की बर्फ का, होंठ इतने ही लाल हो जितना मेरा खून, और बाल इतने ही काले हो जितनी ये काली चिड़िया। कुछ समय बाद रानी को बेटी हुई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा रानी ने विश किया था। रानी ने अपनी सुंदर बेटी का नाम रखा स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और स्नो वाइट के पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली और नई रानी को लेकर आए। नई रानी बहुत सुंदर थी लेकिन वह एक जादूगरनी थी। हर रोज वह अपने जादुई शीशे से बातें करती और पूछती, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? और शीशा जवाब देता, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी यह सुनकर खुश हो जाती क्योंकि वह जानती थी कि शीशा झूठ नहीं बोलता। सालों बाद स्नो वाइट एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। एक दिन रानी ने फिर से शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? तुम ही सबसे सुंदर रानी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर, सुनो सच ही। रानी स्नो वाइट से जलने लगी और गुस्से से लाल हो गई। रानी ने स्नो वाइट को जान से मार डालने का सोचा। उसने अपने सिपाही को बुलाकर जंगल में ले जाकर स्नो वाइट को मार डालने को कहा और वापसी में स्नो वाइट का दिल लाकर देने को कहा, जिससे रानी को विश्वास हो जाए कि स्नो वाइट मर चुकी है। सिपाही स्नो वाइट को लेकर जंगल में चला गया और उसे मारने के लिए बड़ा सा चाकू निकाल लिया। स्नो वाइट डर गई और सिपाही के सामने गिड़गिड़ाने लगी। सिपाही को स्नो वाइट पर दया आ गई लेकिन रानी से भी डरते थे। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, सिपाही ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें वापस राजमहल लेकर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें यही जिंदा जंगल में छोड़ देता हूँ, लेकिन वादा करो तुम वापस महल कभी नहीं आओगी। स्नो वाइट ने सिपाही की बात मान ली। सिपाही स्नो वाइट को जंगल में अकेला छोड़ चला गया और रास्ते में एक हिरण का शिकार कर उसका दिल लेकर रानी के पास पहुंचा। रानी को कहा कि यह स्नो वाइट का दिल है। स्नो वाइट जंगल में अकेली भूखी प्यासी भटकने लगी। चलते चलते उसने एक छोटा सा घर देखा। स्नो वाइट ने दरवाजा खटखटाया लेकिन जब कोई बाहर ना आया वह घर के अंदर चली गई। घर के अंदर उसने एक खाने की टेबल देखी जहां सात छोटी छोटी प्लेट्स, सात चम्मच, सात प्यारी प्यारी कप और सात छोटी कटोरियां थी। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी इसलिए उसने खाना खाया और घर के अंदर जाकर देखा, वहां सात बेड लगे थे। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी इसलिए वह बेड पर लेटते ही सो गई। ये घर था सात भूनों का जो हर रोज पास के खान में जाकर हीरे ढूंढते थे। जब वे रात में घर पहुंचे उन्होंने देखा कोई घर में घुसकर उनका खाना खा चुका था।
जब वे अंदर गए उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा। ये सुंदर लड़की कौन है? तब स्नो व्हाइट उठी। उसने सात बोनों को अपने बारे में बताया। बोनों को स्नो व्हाइट की बात सुनकर उस पर दया आ गई और उन्होंने स्नो व्हाइट को अपने घर में रख लिया, लेकिन समझाया भी कि जब वे घर में ना हो स्नो व्हाइट घर का दरवाजा किसी के लिए भी ना खोले, क्योंकि अगर दुष्टरानी को पता चला कि स्नो व्हाइट जिंदा है वह उसे नहीं छोड़ेगी। स्नो व्हाइट खुशी खुशी बोनों के साथ रहने लगी। एक दिन फिर रानी ने जादुई शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? शीशे ने जवाब दिया, तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर, लेकिन स्नो व्हाइट सबसे सुंदर रहती है सात कोनों के घर। रानी गुस्से से पागल हो गई और समझ गई कि सिपाही ने उसे धोखा दिया है। अब रानी ने स्नो व्हाइट को खुद ही खत्म करने का सोच लिया। रानी एक बुढ़िया का भेस बदलकर जंगल में पहुंची और बोनों का घर ढूंढ लिया। स्नो व्हाइट खिड़की के पास बैठी थी। क्या तुम कंघी खरीदना चाहती हो? तुम्हारे बाल सवार दू, आओ। स्नो व्हाइट बोनों की बात भूल चुकी थी। बुढ़िया को घर के अंदर आने को कहा। आओ मैं तुम्हारी कंघी कर देती हूँ। कंघी में जहर लगा हुआ था। स्नो व्हाइट जमीन पर कंघी लगते ही बेहोश होकर पड़ी। रानी वहां से भाग गई, कंघी को स्नो व्हाइट के बालों में लगा छोड़ दिया। जब बूढ़े काम से वापस लौटे उन्होंने स्नो व्हाइट को बेहोश देखा। स्नो व्हाइट पर पानी डाला और कंघी को बालों से निकाल दिया। स्नो व्हाइट ने पूरी घटना बोनो को बताई। बोनो को लगा कि जरूर ये दुष्ट रानी ही है। बोनो ने स्नो व्हाइट को फिर समझाया कि वह किसी अजनबी को घर के अंदर ना आने दे। रानी ने कुछ समय बाद फिर शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर, स्नो व्हाइट अभी भी है जिंदा, नहीं कोई उससे सुंदर। रानी ने सोच लिया, इस बार वो स्नो व्हाइट को हर हाल में मार डालेगी। रानी फल बेचने वाली का भेस बदल एक बार फिर जंगल में पहुंची। उसके पास बहुत से सेब थे और सबसे ऊपर जहरीला सेब था। सेब ले लो, ताजे ताजे सेब ले लो। स्नो व्हाइट ने दरवाजा नहीं खोला पर वह खिड़की के पास जाकर देखने लगी। दिखाओ कैसे है तुम्हारे सेब, खाकर देखो प्यारी लड़की, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठे हैं। स्नो व्हाइट ने जैसे ही जहरीला सेब खाया वह जमीन पर गिर पड़ी। रानी हंसती हंसती वहां से चली गई। रानी ने शीशे से फिर पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर। रानी खुश हो गई। जब बोनो ने स्नो व्हाइट को मरा हुआ पाया तो उदास हो गई और एक कांच के कॉफिन में स्नो व्हाइट को रख दिया। बोनो ने अपने बगीचे में फूलों के साथ स्नो व्हाइट का कॉफिन रख दिया और उसे देखने लगा। अचानक एक राजकुमार वहां से गुजरा। जब उसने स्नो व्हाइट को देखा उसे देखते ही स्नो व्हाइट से प्यार हो गया। राजकुमार ने बोनो से कहा वह स्नो व्हाइट को अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, क्या वो उसे किस कर सकता है? बोनो मान गए। राजकुमार ने जैसे ही स्नो व्हाइट को किस किया सारा जहर गायब हो गया और वह जिंदा हो गई। बोनो खुश होकर उछलने लगी। राजकुमार ने स्नो व्हाइट से शादी कर ली। फिर एक दिन रानी ने शीशे से पूछा, शीशे शीशे सच बताओ, सबसे सुंदर कौन? तुम ही सबसे सुंदर रानी, तुम ही सबसे सुंदर, लेकिन रानी स्नो व्हाइट तो है सबसे सुंदर। दुष्ट रानी ने गुस्से में आकर शीशे को तोड़ दिया। राजा को पता चल गया कि रानी ने ही स्नो व्हाइट को मारने की कोशिश की थी। स्नो व्हाइट सात बोनों को अलविदा कह के वहां से चली गई। स्नो व्हाइट और राजकुमार ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।